हेलो फ्रेंड्स, मैं यजदान और जैसे कि आप पढ़ रहे हैं पीएचपी, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पीएचपी के अंदर, उनके बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। यहाँ पे क्या लिखा है, द पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कि फॉर एग्जाम्पल कंडीशन लगी है, ठीक है, तो दो कंडीशंस को जोड़ने के लिए जो ऑपरेटर यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, पहला इसमें ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, दूसरा कौन सा है और, तीसरा है एक्स और इसके बाद फिर से एंड ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर और ये वाला नॉट ऑपरेटर। तो ये इसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं, नेम इनके सामने दिए गए हैं एंड और एक्स और एंड और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सामने एक एग्जाम्पल दी गई है एंड ऑपरेटर की, इसमें क्या है एक्स एंड वाई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ट्रू इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ट्रू, मतलब कि एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल नहीं हम कंसिडर कर सकते। यहाँ पे आप समझ लें कि एक हमने वहाँ पे लिखी हुई है कंडीशन, तो कंडीशन जो हमने यहाँ पे लिखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वाई की जगह पे एक कंडीशन लिखी और एक हमने लिखी एक्स की जगह पे कंडीशन, तो इन दोनों कंडीशन के दरमियान में हम यहाँ पे एंड लिख दिया। इसका मतलब है कि हम ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये एंड का मतलब है और, ठीक है, कि ये और ये वाली जो कंडीशंस हैं ये दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो फिर जो है नेक्स्ट चीज़ चलेगी, ठीक है, मतलब कि फिर ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली चीज़ ये ट्रू होगी। और ऑपरेटर अभी हम इन सबको पढ़ लेते हैं पीएचपी के कोड के थ्रू। तो हम यहाँ पे, मैं सब्लाइम एडिटर ओपन करता हूँ, यहाँ पे आके हम पीएचपी का सिंटैक्स लिखते हैं, बल्कि फाइल को सबसे पहले सेव कर लेते हैं, दिस पीसी यहाँ पे आके लोकल सी, उसके बाद जैम्प में एस टी डॉक्स के फोल्डर में, और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ माय फाइल डॉट पीएचपी के नाम से फाइल, और यहाँ पे इसका पीएचपी का सिंटैक्स लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे अब लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ, तो इसको हम रहने देते हैं कि हमें पता ही है हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर था एंड, ठीक है, तो हम देख लेते हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एक्स, इसको कर देता हूँ टू, एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वाई, इसको कर देता हूँ थ्री, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर में क्या था, राइट साइड पे भी एक कंडीशन आती थी और लेफ्ट साइड पे भी, तो इसमें हम फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इफ, मतलब कि अगर एक्स जो है छोटा इक्वल टू हो टू के, इक्वल टू वाला जो ऑपरेटर था साइन ये वाला ऑपरेटर, ये हम कंपैरिजन ऑपरेटर में ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं y इक्वल टू थ्री, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे आ जाएगा एड, ठीक है, अगर जो है x इक्वल टू टू हो और y इक्वल टू थ्री हो तो फिर जो कोड यहाँ पे लिखा होगा उसको रन कर दो, ठीक है, इको यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू। अब हम यहाँ पे मैंने जैप को ओपन कर लिया और अपाचे और MySQLI भी मैंने स्टार्ट करके रखा है। यहाँ पे आगे सिंपल हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश माय फाइल डॉट पी एच पी, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है ट्रू। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये टू की जगह सिर्फ एक की, ये थ्री की जगह मैं कर देता हूँ फोर, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू चेंज की, फिर भी यहाँ पे आ जाएगा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एल्स कर देते हैं कि एल्स अगर ये ना हो तो फिर इको करवा दो फॉल्स, कंट्रोल एस, यहाँ पे आगे मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो ये भी शो करेगा फॉल्स। वो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर एक्स जो है वो बराबर हो दो के और वाई जो है इक्वल टू हो थ्री के तो फिर ये शो करवाओ, लेकिन अब एक्स जो था वो टू के तो इक्वल था लेकिन जो वाई था वो थ्री के इक्वल नहीं था, तो मतलब कि एंड ऑपरेटर के अंदर जो राइट साइड वाली है और जो लेफ्ट साइड वाली कंडीशन है दोनों रन होंगी तो फिर वो ट्रू होगा, वरना वो नहीं होगा ट्रू। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर था इसके अंदर वो हम देख लेते हैं कौन सा था, इसमें था और ऑपरेटर, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल इसी की जगह अगर हम और लगा देंगे कंट्रोल एस, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अभी ये ट्रू शो करेगा। वो इसने क्यों शो किया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है अगर एक्स इक्वल टू हो टू के या
y इक्वल टू 3 के, इसमें किसी अगर ये दोनों फॉल्स होंगी वैल्यूज, अगर ये 4 के बराबर 24 के बराबर मैं कर देता हूँ कंट्रोल s, यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है, x नहीं इक्वल टू 2 के और जो y है वो भी 4 के इक्वल है 3 के इक्वल नहीं है, दोनों कंडीशन फेल होंगी, फिर ये वाला हमारी जो कंडीशन है ये वाली r वाली ये फॉल्स होगी, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ 3 कंट्रोल एस, तो ये ट्रू हमें शो करवा देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंड लिखते थे तो उसके अंदर यहाँ पे क्या होता था कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी था, अभी मैंने दोनों ट्रू की फिर ये शो हो रहा है, अगर मैं यहाँ से एक भी फॉल्स करूँगा तो ये शो नहीं करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है ऑपरेटर वो हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे है एक्स आर ऑपरेटर, तो हम अब यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर लगा के दिखाते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ पे आगे इसमें रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे अब क्या आ रहा है ट्रू। तो अब ये जो हम देखेंगे कि एक्स आर जो हमारा ऑपरेटर है एक्स आर ये क्या करेगा, तो ये सामने के लिखा है रिजल्ट में ट्रू होगा इफ Either x or y is true, अगर कोई भी इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो फिर ये ट्रू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने लिखा है कि x इक्वल टू हो 2 के और y इक्वल टू हो 3 के, y वाली कंडीशन तो सही है तो इसलिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है ट्रू, लेकिन यहाँ पे 2 वाली ये जो x वाली है कंडीशन ये फॉल्स हो रही है, यहाँ पे अगर हम इसको भी ट्रू कर दें दोनों ट्रू हो जाएंगी, x भी 2 हो गया और y भी 3, दोनों की दोनों ट्रू होंगी फिर ये फॉल्स शो करेगा, वरना अगर इनमें से कोई भी एक मतलब के होगी सही मैं अगर 5 कर दूँ तो सही शो ट्रू शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अपना फिर से ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से एंड ऑपरेटर आ रहा है दोबारा, तो एंड ऑपरेटर ही है, जैसे हमने एंड ऑपरेटर को भी हमने यूज़ किया था तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा था कीवर्ड एंड लिखा था, उसी तरह हम ये डबल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू में कर लेता हूँ 5, ठीक है, और ये डबल जो एंड का साइन है ये वाला हम डाल देते हैं तो इसका मतलब भी एंड ही होता है, ठीक है, ये ट्रू आ गया, अगर मैं इसमें से कोई 4 कर दूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट आर ऑपरेटर जो है ये इसकी भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं, ये भी वही चीज़ है बस हमने ये वाली इसकी जहाँ पे हम यहाँ पे और लिखते थे इसकी जगह हमने ये वाला कर देना है, ये भी सेम टू सेम ही काम करेगा, ये वाली अब ये स्लैश नहीं है ना ही ये बैक स्लैश है, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर एक सीधी सी स्लैश होती है ये वाला, क्योंकि स्लैश ये है, ठीक है, और बैक स्लैश ये है, तो ये दोनों ही नहीं है मेरे कीबोर्ड के, ये हर एक के ऊपर तकरीबन डिफरेंट ही होती हैं, तो मेरे कीबोर्ड के ऊपर जो है ये बैक स्लैश वाले बटन के ऊपर उसको शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो फिर ये होगा, ठीक है। तो ये वाला साइन आप देख सकते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर आ जाएगा, सिंपली अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे आपने डबल दफ़ा डाल देंगे इसका मतलब होगा और, ठीक है, तो ये और वाला काम करेगा। नेक्स्ट इसमें है नॉट ऑपरेटर, अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ अगर ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा था टू एक्स जो है इक्वल टू हो 2 के या वाई इक्वल टू हो 5 के, मैं अगर करता हूँ एक्स अगर ना इक्वल हो 2 के, यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर फॉर एग्जाम्पल यूज़ करने लगे हैं अभी, ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भी अगर x जो हमने ये वाला साइन लगाया एक्सक्लेमेशन इसका मतलब है नॉट, ठीक है, अगर जो है x नॉट इक्वल टू हो 2 के, ठीक है, और y जो है इक्वल टू हो 5 के तो फिर ये शो करते हैं ट्रू, यहाँ पे आगे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो फॉल्स शो करेगा, क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा कि x इक्वल टू हो 2 के, मैंने लिखा है x इज़ नॉट इक्वल टू हो 2 के, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल है, अगर हम इसको 4 करेंगे तो ये यहाँ पे शो करेगा, तो ये यहाँ पे ट्रू शो करेगा, यहाँ पे मैं आगे रिफ्रेश करूँगा भी फॉल्स शो करें, तो हम ऐसा करते हैं, ओहो सॉरी इसमें मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, यहाँ पे लगाना था x इज नॉट इक्वल टू 2 हो, ठीक है, तो अभी मैंने 4 कर दिया ऊपर x की वैल्यू को तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है ट्रू, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 कर दूंगा तो फिर ये क्या शो करेगा
फॉल्स। तो ये था बेसिकली हमारे कुछ ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो पी एच पी के अंदर हम कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में, और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे अरे ऑपरेटर्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए तब तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।